जयपुर के प्रतापनगर में सिटी इंटरनेशनल स्कूल में धारा प्रवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान 5 से 7 साल के बच्चों से कठिन शब्द पढ़वाए गए। बच्चों को मुश्किल शब्द पढ़ता देख सभी हैरान रह गए। प्रिंसिपल मनोज वर्मा ने बताया कि स्कूल के सबसे छोटे बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अपने ग्रेड से ऊपर के गणित को समझते हैं। शिक्षा की ये नई विधि बच्चों के लिए शिक्षा को बदल रही है और इसको लेकर बच्चों में भी उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे तेजी से सीखते हैं तो इनकी क्षमताओं का विस्तार होता है। साथ ही वर्मा ने बताया कि अल्फा नाटकीय रूप से अलग है और बच्चे खुद ही इसको डिकोड करते हैं। उन्होंने बताया कि अल्फा विधि से टीचर का काम भी आसान हो गया है। ये रीडिंग रेवोल्यूशन के नाम से एक अल्फा मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें बच्चे डिकोड करके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को पढ़ सकते हैं। वो पिक्चर्स की हेल्प से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेट्स बाद में पढ़ते हैं, वर्ड्स पहले रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 30 घंटे में बच्चे जो है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड इंग्लिश के डिकोड करके और पढ़ना सीख जाते हैं। आपको बता दें कि जयपुर के प्रताप नगर में सिटी इंटरनेशनल स्कूल में धारा प्रवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान आपको बता दें 5 से 7 साल के छोटे बच्चों से कठिन शब्द भी पढ़वाए गए। बच्चों को मुश्किल शब्द पढ़ता देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यहां तक कि प्रिंसिपल मनोज वर्मा ने बताया कि स्कूल के सबसे छोटे बच्चे न्यूज़पेपर तक पढ़ते हैं और अपने ग्रेड से ऊपर के गणित को समझते हैं। शिक्षा की ये नई विधि बच्चों के लिए शिक्षा को बदल रही है और इसको लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे तेजी से सीखते हैं तो उनकी क्षमताओं का विस्तार होता है। साथ ही वर्मा ने बताया कि अल्फा नाटकीय रूप से अलग है और बच्चे खुद ही इसको डिकोड करते हैं। इसी के साथ उन्होंने अल्फा विधि से ये भी बताया कि इससे टीचर्स का काम भी आसान हो गया है।